मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मसालेदार टिंडे की सब्जी। यदि आप इस तरह टिंडे की सब्जी बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इस सब्जी को बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो टिंडे, जिन्हें कि हमने ऊपर से खुरचते हुए छील दिया और फिर धोकर इस तरह दो टुकड़ों में कट कर लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज को पीस कर बनाया हुआ पेस्ट, तीन मीडियम साइज के टमाटर जिनको कि हमने मिक्सर में पीस कर इस तरह पेस्ट बना लिया है, एक छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें कि हमने लिया है दो सूखी लाल मिर्च, एक चम्मच सौंफ, एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया, आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, दो लौंग, एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता। बाकी मसालों में हमें चाहिए एक छोटी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम कढ़ाई में खड़े गरम मसालों को डालकर भूनेंगे। और जैसे ही मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे और खड़े गरम मसालों को हम अलग से एक प्लेट पे निकाल देंगे और फिर इन्हें हल्का सा दरदरा कूट लेंगे ताकि ये थोड़े से पिस जाए। और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे टिंडे, जिन्हें कि हमने दो पीसेस में कट किया हुआ है। और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इन्हें हम फ्राई करेंगे। हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये ऊपर से हल्के से ब्राउन ना हो जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टिंडे फ्राई हो गए हैं और ऊपर से इनका कलर भी चेंज हो गया है और लगभग ये आधे गल भी गए हैं। तो टिंडो को हम तेल में इस तरह निकालते हुए अलग से बर्तन में कर देंगे और इसी तेल में हम डालेंगे एक तेज पत्ता, दो मीडियम साइज के प्याज को पीस कर बनाया हुआ पेस्ट, एक छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। और डालकर सारी ही चीजों को अच्छे से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और जो हमने खड़े गरम मसाले भुने थे उनको हमने हल्का सा इस तरह कूट लिया था तो इस तरह थोड़े से ये पीस गए हैं। तो इसे भी हम इसी मसालों के संग डाल देंगे और डालकर सारे मसालों को अच्छे से हम प्याज में मिलाएंगे और ऐसे ही चलाते हुए प्याज को हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्याज भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को हमने मिक्सर में पीस लिया था। टमाटर को भी हम प्याज के मसाले में अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इस मसाले को हम पकने देंगे ताकि यह मसाला अच्छे से भुन जाए। करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो हम खोल के देख लेते हैं। अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है और इसमें तेल भी बाहर हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए टिंडे और टिंडों को हम मसाले में अच्छे से मिलाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पानी
यहाँ पर हमने आधा आधा कप करके पूरे एक कप पानी का यूज किया है, क्योंकि टिंडों को हमें अभी और पकाना है, तो पानी डालने से ये अच्छे से पक जाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक यूं ही पकने देंगे। करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिंडे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और बहुत ही अच्छी टिंडों की ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इस तरह हाथों से मसलते हुए, जिससे कि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और बस टिंडे की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को हम ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये टिंडे की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप रोटी, पराठे या पूरी के साथ सर्व करें। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।